दोस्तों, वैसे तो हिंदी सिनेमा जगत में कई खूबसूरत अभिनेत्रियां हैं जो अपने गोरे रंग की वजह से फेमस हुई, लेकिन वहीं कई ऐसी भी अभिनेत्री हैं जो गोरी नहीं सांवली होने के बाद भी दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ली। इनका सिनेमा जगत में ऐसा दबदबा रहा कि कोई भी फिल्म निर्माता हो, इनको रोल पहले ऑफर किया जाता है। आज भी ये सांवली होने के बावजूद अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ अदाकारा के दर्शन करेंगे जो सांवली होने के बाद भी दर्शकों की पहली पसंद रही हैं। चित्रांगदा सिंह। राजस्थान के जोधपुर में जन्मी चित्रांगदा की पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हुई है। इनके पिता भारतीय सेना में एक कर्नल थे। चित्रांगदा की शादी एक गोल्फर ज्योति रंधावा से हुई, लेकिन इनकी आपस में बनी नहीं, जिसके चलते 2015 में दोनों का तलाक हो गया। चित्रांगदा ने फिल्मों में आने से पहले एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया था। फिर अल्ताफ रजा द्वारा गाए गए एल्बम सॉन्ग तुम तो ठहरे परदेसी में नजर आई। फिर साल 2015 में सुधीर मिश्रा की फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी से अपना डेब्यू किया। इसके बाद करीब 14 फिल्मों में चित्रांगदा ने अभिनय किया। काजोल। 90s की मशहूर अभिनेत्री काजोल भले ही सांवली रंगत की थी, लेकिन इनके एक्टिंग की दीवाने करोड़ों हैं। काजोल ने अपना फिल्मी सफर फिल्म बेखुदी से शुरू किया। इसमें राधिका के नाम से अभिनय करती काजोल नजर आई। यह फिल्म तो चली नहीं, उनकी बाद की लगभग सभी फिल्में प्रसिद्ध हुई, जैसे कि बाजीगर और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम। काजोल ने अजय देवगन से 24 फरवरी 1999 को शादी कर ली थी। इनकी एक बेटी है जिनका नाम न्यासा है। काजोल के नाम 6 फिल्म फेयर और 5 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है। रेखा। सांवली रंग और एक बेहतरीन अभिनेत्री जिसके हुस्न के दीवाने 80s के दशक में अनगिनत थे। रेखा ने साबित किया कि गोरा होने से ही प्रसिद्धि नहीं मिलती, बल्कि अपने अंदर हुनर होना चाहिए। रेखा ने करीब 180 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिसके चलते एक राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। रेखा की पहली हिंदी फिल्म थी सावन भादो। 1970 में रिलीज हुई यह फिल्म एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद रेखा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शिल्पा शेट्टी। 1993 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बाजीगर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी शुरुआती दिनों में कुछ खास नहीं लगा करती थी। इन्हें भी डस्की स्किन एक्ट्रेस की लिस्ट में गिना जाता था, क्योंकि इनका रंग भी सांवला था, लेकिन आज दुनिया की कई लड़कियां उनके फिगर और सुंदरता को फॉलो करती हैं। सुष्मिता सेन। 90s के दशक में सुष्मिता सेन सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती थी। 1994 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी सुष्मिता। सुष्मिता भारत की एक प्रचलित मॉडल और हिंदी सिनेमा में काम करने वाली अभिनेत्री हैं। 18 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार मिस इंडिया का खिताब जीता, जिसके बाद मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब भी अपने नाम किया। बीबी नंबर 1 से 1999 में फिल्म जगत में अभिनय शुरू किया। इस फिल्म में सहायक अभिनेत्री के रूप में उम्दा कार्य के लिए सुष्मिता सेन ने फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। उनके व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में मैं हूं ना, आंखें और मैंने प्यार किया फिल्म शामिल है। प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग और खूबसूरती का लोहा मनवाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को अगर बॉलीवुड का लेडी शाहरुख खान कहें तो कोई गलत नहीं होगा। प्रियंका ने साल 2003 में सनी देओल की फिल्म हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद फिल्म अंदाज, मुझसे शादी करोगी और ऐतराज ने उन्हें ऐसे मुकाम पर पहुंचाया कि उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बता दें कि उन्होंने निक जोनस से शादी कर ली है। रानी मुखर्जी। यश राज खानदान की बड़ी बहू एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की एक्टिंग का आज भी कोई तोड़ नहीं है। भले ही इनके स्किन का रंग सांवला था, लेकिन अपने एक्टिंग के दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी वजह से इन्हें बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में गिना जाता है।
रानी मुखर्जी ने साल 1996 में फिल्म राजा की आएगी बारात से हिंदी फिल्मों में कदम रखा था। शुरुआती दौर में रानी की आवाज को लेकर सिने प्रेमी उन्हें पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे रानी ने फिल्म गुलाम, कुछ कुछ होता है, हेलो ब्रदर और वीर जरा से लोगों को गलत साबित कर दिया। बता दें कि रानी के लुक और ड्रेसिंग स्टाइल को लड़कियों ने बहुत कॉपी किया था। बिपाशा बसु। साल 2000 के बाद एक्ट्रेस बिपाशा ने भी बॉलीवुड में दस्तक दी। साल 2001 में आई इनकी पहली फिल्म अजनबी से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके बाद साल 2002 में आई इनकी फिल्म राज ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा दिया था। फिल्म में उनके साथ एक्टर दीनो मोरिया थे। फिल्म का एक एक गाना आज भी सुपरहिट है। बता दें कि शुरुआती दिनों में बिपाशा के लुक को लेकर दर्शक काफी आसानी से उनकी ओर आकर्षित नहीं हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग बिपाशा के हुस्न और शारीरिक बनावट के दीवाने हो गए। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ने साबित किया कि सांवली होने के बावजूद भी स्टार बना जा सकता है। वे सफल मॉडल भी रहीं और हीरोइन भी। हालांकि कई बार उन्होंने मेकअप के जरिए स्क्रीन पर अपने आप को गोरी के रूप में पेश किया। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म ओम शांति ओम से शुरू की। चेन्नई एक्सप्रेस में मीनम्मा, बाजीराव मस्तानी में मस्तानी और पद्मावत में रानी पद्मावती की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं। दीपिका पादुकोण भारत की सबसे खूबसूरत और सबसे अधिक फीस पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। ईशा गुप्ता। साल 2012 की फिल्म जन्नत 2 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली ईशा गुप्ता फेमिना मिस इंडिया का खिताब भी 2007 में जीता है। ईशा सावली होने के बावजूद मोहक आकर्षण से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इसके बाद वह फिल्म राजश्री में नजर आई। इस फिल्म में उनके अभिनय की आलोचकों द्वारा काफी प्रशंसा की गई थी। महेश भट्ट ने तो इन्हें हिंदुस्तान की एंजेलिना जोली की भी उपाधि दे दी थी। तो दोस्तों, ये थी हिंदी सिनेमा जगत की 10 सबसे खूबसूरत सांवली भारतीय अभिनेत्रियां। अब इनमें से कौन सी अभिनेत्री आपको ज्यादा अच्छी लगती है, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा।